ये गिरा हुआ है, ये देख लो आप कितना खतरनाक है ये। अब आप देख लो आप, ये है हमारी अलकनंदा और दोनों मिलकर बनाती हैं गंगा, पवित्र गंगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और मुझे आज निकलना है अपने होम टाउन दैट इज श्रीनगर। और अभी जो मौसम के हालात है ना वो बहुत ही तगड़े हो रखे हैं, थंडर स्टॉर्म हो रहा है बाहर और बहुत तेज बारिश भी हो रही है। और फाइनली रेडी हो गए हैं निकलने के लिए और मौसम जो हो रहा है ना एकदम मस्त हो रहा है। पीछे आप मौसम देखो आप मेरे, अमेजिंग यार। तो गाइस फटाफट निकलते हैं। सो गाइस फाइनली अपन लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और अब यहां से शुरू होता है पूरा पहाड़ी रास्ता। पत्थर, भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हो? पत्थर गिर रहे हैं पहाड़ से, पत्थर बारिश की वजह से। अच्छा, दिक्कत सबसे बड़ी यही है पहाड़ों में ना कि डेंजरस है, रिस्क है पहाड़ों पे यात्रा करना। एग्जैक्टली गाइस, यही सबसे बड़ी दिक्कत है पहाड़ों में क्योंकि रोडें जब ना बड़ी बड़ी हो जाती है ना तो क्या होता है उसकी वजह से ये एक्सप्लोजन करते हैं रोडों को बड़ी करने के लिए, पहाड़ों को तोड़ते हैं जिस वजह से पहाड़ कुछ ना कुछ मतलब हिल जाते हैं और फिर जब बारिश होती है ना तो फिर लैंडस्लाइड होती है। यही एक कारण है लैंडस्लाइड होने का, सबसे बड़ा जो मेजर कारण है गाइस। मैं बीइंग एन सिविल इंजीनियर नॉलेज है थोड़ा बहुत कि किस वजह से होता है गाइस। नॉलेज है तो है, उसमें क्या बता देते मतलब कि ये भी एक कारण है। दिखा रहा हूँ भाई, दिखा रहा हूँ एक मिनट गाइस, देख लो भैया पीछे बड़े हुए पत्थर, देख लो रोड देख लो गाइस। इस सब की वजह से मैं कह रहा था कि यहाँ पे कितना डेंजरस है, ये देखिए आप। अभी गाइस मैं पहले बाहर निकलता हूँ। हाँ गाड़ी आप ना इसके ऊपर चढ़ाना, ये गाड़ी लग जाएगी नीचे, ये टायर से बताइए ना, रख गाड़ी रख नीचे गाड़ी। तो गाइस इसलिए कह रहा था मैं ये इतना डेंजरस है पहाड़, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है हमारे पहाड़ों में। ये देखिए आप कितने कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, ये देखो आप भाई। तो मैं हमेशा यही कहूंगा यार कि आपको अगर कभी भी मतलब बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करनी हो ना तो बेस्ट मौसम जो है वो है आपका सितंबर अक्टूबर गाइस। उसमें ना कोई बारिश होती है और मौसम भी अच्छा रहता है और लैंडस्लाइड तो नहीं होती है उसमें बेसिकली। अभी पहुंचे हैं हम लोग तीन धारा, और तीन धारा क्यों कहते हैं इसको मैं आपको दिखाता हूं। बेसिकली आ रहा पानी पूरा पहाड़ों से और यहां पे आप भी पानी पी सकते हो। क्यों मना कर रहा था आज का ट्रेवल करना, वो इसलिए आप देख लो रोड पे मतलब ना पूरा ये गिरा हुआ है, ये देख लो आप कितना खतरनाक है ये। अब आप देख लो आप ये। फाइनली अभी पहुंचे हैं हम देवप्रयाग और ये है वो शहर जहाँ पे दो नदियों का संगम है बेसिकली।
ये है आपकी भगीरथी और ये है हमारी अलकनंदा, और दोनों मिलकर बनाती हैं गंगा, पवित्र गंगा हमारी। और गाइस आप यहाँ पर व्यू देखिए, आप क्या जबरदस्त है लोकेशन। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं श्रीनगर अपने घर, और बस अब थोड़ी देर में गाड़ी पार्क करके चलते हैं सीधे घर। सो गाइस फाइनली मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, थक चुका हूँ बहुत, ऊपर चढ़ना पड़ रहा है क्योंकि रोड से तकरीबन 300 मीटर ऊपर है घर, और उसके लिए पैदल चलना हो रहा है। हालत ख़राब है अपने घर गाँव का रास्ता। मम्मी जी बड़े दिनों बाद मिले हैं इनको हम, माता जी राम राम बहुत दिनों बाद मिले गाइस। आज सुनो रोज फोन करता हूँ तो फोन में बोलती है आवाज नहीं आती, आवाज नहीं आती। आज मैं पास से आके बात कर रहा हूँ, क्या हो तो ये छोड़ो मुझे जाने दो बोला। और ये है मेरा कजन ब्रदर विनय धनाई, कैसा भाई? ये तो ये दिन पर दिन नेपाली क्यों जाता होता जा रहा है नेपाली में। तो भाई जिस पूजा के लिए मैं आया था उसके लिए मैं रेडी हो रहा हूँ, और फिर पूजा स्टार्ट होगी अब। सो गाइज फाइनली पूजा तो फिनिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है पूजा, और अभी पंडित जी ने हमें कुछ चीज़ें दी हैं दान करने के लिए, उसके लिए हम दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, और वो लोकेशन बिल्कुल नदी के पास वाली है, तो मैं उधर ही जा रहा हूँ। सब कुछ कर दिया है जो पंडित जी ने भी दिया था, वो भी हमने दे दिया है उनको, और अभी थोड़ा सा गंगा जाएंगे मुँह हाथ धो के चलते हैं फिर वापस घर। सो गाइज फाइनली पहुंच चुके हैं दादी के पास, और ये से दादी, दादी ये हमारी दादी माँ, हाँ और ब्रूनो ब्रूनो गाइज ये हमारी दादी जो कि 92 साल की हो चुकी है, एकदम फिट है अभी भी, 94 ओ दादी हो चुकी है 94 की, और दादी ने बिल्कुल ठान रखा कि सेंचुरी पूरी करनी है। समय रहे थोड़ा सा समय, अरे कैसी बात करो दादी। और ये देखो इसको, इधर ये ब्रोनी, इसको देहरादून से लेके आए थे हम। और बुआ ये हमारी बुआ जी है, बुआ का नाम कैसे है? कुंदा खाई जाए कुंदा चाहिए बुन उसको बोलना वही ए ये देखो भैया ये छोटा सा था जब देहरादून से लेके आए थे इसको, छोटा सा बिल्कुल रश्मि की वो कहाँ गया क्या ये हो रही है पागल बिल्कुल, ये देखो उसको आज ये छोड़ेगा नहीं, क्या हो गया क्या हो गया, छोड़ेगा बहुत दिनों बाद आए ना, अबे आराम से आ जा ब्राउनी, आ जा आ जा ब्राउनी, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया बेटा, काम दाम आ कर रहा है ये गंदगी पूरी,
आजा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत टाइम बाद मिला, आज चारू मार रहा मेरे ऊपर, आजा ठीक है ठीक है। सो गाइस ये है अपना शहर श्रीनगर, सामने आप व्यू देख सकते हो क्या तगड़ा है इसका पूरा। और ये सामने ना स्टेडियम हुआ करता था हमारा सामने वाला, लेकिन जब बाढ़ आई 2013 की उसमें ही ख़त्म हो गया। और हम लोग रहते हैं गांव में ऊपर, ये हमारा गांव है पर पहाड़ी में। इसको देखो गर्मी हो गई, इसको हो गई गर्मी। ओए रोनी कम आजा आजा आजा, आप क्यों नहीं आ रही है, आजा 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 आजा। सो गाइस ये था पूरा व्यू मेरे शहर का जो कि मेरे गांव से था। बाकी गाइस मैं आपको दिखा दूँ, ऊपर की तरफ हमारा ना एक रोड है और उस तरफ हमारा एक खुद का रेस्टोरेंट भी है। बाकी ना और अच्छे व्यूज़ मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ जाके अभी थोड़ी देर में। बाकी पहले मैं सबसे मिल लेता हूँ, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ करना। सो गाइज़ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा एक रेस्टोरेंट भी है ऊपर, जो थोड़ा सा गाँव से 200 मीटर और ऊपर है। और उसका रास्ता देखो आप, यहाँ पूरा जंगल का, पूरा घना जंगल। और यह है मेरा कज़न, क्या हाल है भाई? बढ़िया। और ये खिलाएगा मैगी हमें वहाँ जाके, मतलब हमारा मैगी पॉइंट है बेसिकली वहाँ पे वो। तो गाइस चलते हैं वहाँ एक बार, और वहाँ से मैं आपको ना बहुत टॉप के व्यू दिखाऊंगा आपको, मतलब बहुत मज़ा आएगा देख के। और उसके बाद हमारा प्लान है हमारे यहाँ पर जो डैम है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको आगे पूरा जाके। सो गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ मैं अभी अपने मैगी पॉइंट पे, और ये है अपना पूरा मैगी पॉइंट, और ये है टॉप की लोकेशन। आप ये देखो, रात में तो ना तगड़ा ही नज़र आता है, पूरी लाइटें दिखती है नीचे, लगता है जैसे कि मतलब न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का कोई शहर होगा। हाँ कहाँ ले जाएगा फिर तू घुमाने के लिए बता, कैमरे के सामने आते शांत शांत क्यों आता है? शांत होना पड़ता है ऐसे, कई सारे लोग होते हैं ना जो कैमरे के सामने आते हैं ना मतलब शांत हो जाते हैं, और मैं तो कैमरे के सामने भी ऐसा ही हूँ और कैमरे के पीछे भी ऐसा ही हूँ। तो क्या प्लान है फिर बता, चलते हैं फिर कहीं साइड। गाइस अभी हमारे पास घूमने के लिए जो एक लोकेशन है डैम साइड जाएंगे, और दो साइडें जाने की इसकी, एक तो है इस तरफ से और एक है पुल पार करके इस तरफ से। तो यार इस तरफ से तो हम बहुत बार गए हैं, मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ से जाते हैं और वहाँ से वापस आएंगे, राइट है ना, फिर वहाँ से भाई को भी उठा लेंगे, क्या बोलता है ना? चलो फिर गाइस चलते हैं उधर से। गाइस हमने अपना पूरा बचपन निकाला, और मतलब जहाँ मैंने मतलब क्रिकेट खेलना सीखा अपनी ज़िंदगी में पहली बार जिस ग्राउंड में, मतलब बहुत यादें जुड़ी हैं इस ग्राउंड से। सीरियसली गाइस यार अभी दिखाता हूँ, भले मतलब 2013 की जो बाढ़ आई थी उसमें ख़त्म हो गया था, बट अभी सबसे अच्छी बात यह है कि दोबारा बन रहा है स्टेडियम। आपको मैं दिखाऊँगा ये हिस्सा पूरा ग्राउंड, ये गाइस ये पूरा ग्राउंड का हिस्सा हमारा, मतलब इवन मतलब इतने छोटे शहर में आपको स्टैंड से मिलते हैं बैठने के लिए। ये देखो आप, और मतलब बाइक रोक देकर मैं दिखाता हूँ गाइस, ये वो हिस्सा था देख रहे हो आप गाइस, ये वाली जो बाउंड्री देख रहे हो आप, ये बाउंड्री पूरी इधर हुआ करती थी और सामने तक था पूरा, तो ये पूरा हिस्सा बह गया था। और गुड न्यूज़ ये है कि दोबारा ये रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है भाई, यहाँ पे मशीनें लग रही हैं, फिलिंग हो रही है दोबारा से। ओवर थैंक यू सो मच उत्तराखंड सरकार जो इतना अच्छा इनिशिएट ले रही है और दोबारा इसको बनाने की कोशिश कर रही है, थैंक यू सो मच। मतलब यार ये सीरियसली मतलब मैं अपना बताऊँ ना तो बचपन में हमने सब दिन यही निकाले, यहाँ पे आते थे सुबह, क्योंकि क्या है ना जो हमारा वाला जो बेल्ट है ना वो सामने वाला है, सामने जो है हमारा घर है सामने ये वाला। अब क्या होता है ना, क्या होता है जब सर्दियाँ होती हैं तो सामने से निकलती है धूप
ठीक है सामने निकलती है धूप इधर से और इस तरफ पीछे जाके छुप जाती है। तो क्या होता है हमारे यहाँ धूप आती है सर्दियों में 1 बजे ऑलमोस्ट, तब कोहरा वोरा हट जाता है क्योंकि कोहरा बहुत होता है यहाँ पे, और 3 बजे तक गायब 2 घंटे की धूप। तो गाइस हम क्या करते हैं, हम सुबह ना 9 बजे आ जाते हैं ग्राउंड पे सुबह ही मैच खेलने के लिए। और गर्मियों का टाइम वो होता था कि जब हम सुबह सुबह आ जाते थे 6 बजे पिच पे स्टंप गाड़ के खड़े होते, बाकी टीम बाद में आएगी और हम पहले आ जाते ताकि ना कोई पिच ना घेरे आके। तो ये एरिया बड़ा मज़ा आ रहा है यार, लोग यहाँ पे आप दोबारा आने लगे हैं यार, तो हैप्पी यार, मतलब मज़ा आ गया यार ये देख के। सो गाइज अभी मैं आया हूँ श्रीनगर डैम के पास में और आपको मैं दिखाता हूँ इसका स्पिलवे। द स्पिलवे वो होता है जहाँ से बेसिकली पानी छोड़ा जाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना मज़ा आएगा देखने में, आपको दिखाता हूँ। गाइज अभी हम मतलब लास्ट यहीं तक जा सकते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ओए ओए भाई क्या तगड़ा लग रहा भाई ये, और वो पीछे पूरी झील बनी हुई है देखो। हे गाइस सो कैसा लगा आपको आज का ये ब्लॉग हमारा, और गाइस अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज 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 वीडियो पे कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस प्लीज, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।